नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 हिंदी प्रथम भाषा 9th लेसन दोहे। पिछली कक्षा में हमने दोहों रहीम और कबीरदास के दोहों के बारे में पढ़ा था और समझा था। बच्चों अब आप पेज नंबर 73 निकालिए। यहाँ पर देखिए भाषा ज्ञान, नीचे दिए गए शब्दों का हिंदी मानक रूप लिखिए। इसको अभी हिंदी में लिखना है। जुड़े, जुड़े का अर्थ क्या है? जुड़ना, जुड़ना। नेक्स्ट काके, काके का अर्थ क्या है? किसके। परी मतलब पढ़ना। नेक्स्ट पाए मतलब पर या पांव। पियही पीना। लागू छूना। करी करना। पोथी ग्रंथ। काहे क्यों, किस लिए, क्यों या फिर किस लिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों तुक वाले शब्द लिखिए। भुजंग, भुजंग का राइमिंग वर्ड क्या है? कुसंग, कुसंग। दुख सुख। सुजान अनजान। नेक्स्ट तरुवर सर्वर, सर्वर। चंदन वंदन, वंदन। बलिहारी मनोहारी, मनोहारी। माखन लाखन। नेक्स्ट पान खान। चटकाए सरकाए। बच्चों नेक्स्ट पेज टर्न करिए। अब आप पेज नंबर 74 निकालिए। देखिए बच्चों थर्ड बीट, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। गुरु, गुरु को क्या कहते हैं? शिक्षक, शिक्षक। पंडित। नेक्स्ट गोविंद, गोविंद मतलब ईश्वर और कृष्ण का नाम भी है एक गोविंद, कृष्ण का नाम। नेक्स्ट भुजंग, भुजंग का क्या अर्थ है? सांप और सर्प। नेक्स्ट तरुवर पेड़ वृक्ष। नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ बिट देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कौन सा है? गुरु गोविंद दुख। दुख क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो इस पर सही का निशान लगाना है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? भुजंग प्रेम। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? दुख सुख उत्तम, दुख सुख उत्तम। तो यहाँ पर कौन सा उत्तम सही है, विशेषण है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? भुजंग प्रेम आप क्या है? सर्वनाम है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? रहीम गुरु
मित्र, तो यहाँ पर क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा रहीम है, तो रहीम पर सही का निशान लगाना है। बच्चों अब आप इस पेज नंबर को कंप्लीट करिए। धन्यवाद।